So hey guys, welcome back to my channel. So in today's video we will be talking about the account opening procedure. अकाउंट कैसे ओपन करना है कनाडा में आके. आप इंडिया में तो GIC अकाउंट ओपन कर दोगे, लेकिन कनाडा में क्या प्रोसीजर होगी. तो बेसिकली मेरा तो CIBC बैंक है. सो CIBC में यहाँ डिटेल्स दिखाऊंगा आपको, नॉट स्कोशिया बैंक. सो बेसिकली स्कोशिया और CIBC का प्रोसेस तो सेम ही होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. बट फर्दर वीडियो में मैं CIBC के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर क्या क्या थी. सो अगर आप GIC अकाउंट ओपन कर रहे हो और CIBC ओपन करो या स्कोशिया ओपन करो, तो मैंने उसके सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है, क्या प्रोसीजर है. आप आई बटन पे देख सकते हो कि क्या प्रोसीजर है CIBC अकाउंट बनाने की. सो अगर आपको CIBC में अपॉइंटमेंट लेनी है, तो यहाँ वेलकम लेटर में जाना है और वेलकम लेटर में लिंक आपको मिल जाएगी. वो आपको इस पैटर्न में सिलेक्ट करना होगा, पर्सनल बैंकिंग एडवाइस, अदर एडवाइस, कंटिन्यू, और नोट पे आपको लिखना होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंकिंग ऑफर. तो ये सारा आपको वेलकम लेटर में पढ़ोगे तो मिल जाएगा. फिर आपको डॉक्यूमेंट लेने होंगे, योर पासपोर्ट, योर कॉपी ऑफ वेलकम लेटर, वैलिड कनाडा स्टडी परमिट एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम कॉलेज. तो ये चार डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे और फिर मीटिंग बुक करनी होगी. तो वो वेलकम लेटर में जो लिंक है वहाँ से आपको मीटिंग बुक करनी है. तो उस लिंक में जाओगे तो बुक अ मीटिंग में जाना है. व्हाट टाइप ऑफ बैंकिंग, तो पर्सनल बैंकिंग. व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, तो बैंक अकाउंट नहीं एडवाइस और गोल प्लानिंग इन पर्सनल मीटिंग सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है. देन नेक्स्ट इज फाइंड अ ब्रांच. तो आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का पिन कोड डाल दो, फिर वहाँ की जो नियरेस्ट ब्रांच होगी वहाँ आपको जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ डालता हूँ M3J1K6. तो यहाँ की नियरेस्ट ब्रांच होगी जेन एंड फिंच. तो मैं यहाँ कील एंड फिंच, तो कील एंड फिंच वाली ब्रांच में डाल देता हूँ. दैट्स इट. कोई भी एक ब्रांच आपको जो नज़दीक पड़े आपको सिलेक्ट कर देनी है. फिर आपको उसमें जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है. अपॉइंटमेंट बुक कर देनी है तो उसमें आपको वो लोग टाइम स्लॉट देंगे कि ये टाइम स्लॉट हमारे लिए अवेलेबल है. तो उस स्लॉट में जाना है. फिर आपको कोई एक टाइम स्लॉट, फॉर एग्जांपल मंडे है या तो फिर टुमारो यानी फ्राइडे होगा, फ्राइडे या सैटरडे. तो सैटरडे में जो भी स्लॉट अवेलेबल हो उसमें से आप एक सिलेक्ट कर देना है. देन कंटिन्यू. और उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स डाल देनी होगी. आपकी सारी डिटेल्स डाल देना हुआ, उसमें आएगी आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर. फ़ोन नंबर में तो आप टेक्स्ट नाउ का यूज़ कर सकते हो. आफ्टर एडिंग ऑल द डिटेल्स, एंटर द नोट्स में आपको लिखना है ISBO मींस इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंकिंग ऑफर. यहाँ लिखना है कि पर्पज़ मेरा ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंकिंग ऑफर के लिए मैं आ रहा हूँ. बाई क्लिकिंग द बॉक्स, चेकिंग द बॉक्स में आपको चेक कर देना है एंड देन कन्फर्म एंड बुक मीटिंग कर देनी है. दैट्स इट. आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एंड आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे. उस रेफरेंस नंबर और मीटिंग किसके साथ है उसका नाम देंगे और जाना है आपको. जो भी नियरेस्ट बैंक है वहाँ आपको जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नियरेस्ट बैंक विद इन 1 किलोमीटर होनी चाहिए. तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ आपको बोलना है कि आपका GIC अकाउंट है, ऑलरेडी ओपन है, पर आपको CIBC स्मार्ट स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है. CIBC स्मार्ट अकाउंट नहीं खुलवाना, क्योंकि ये CIBC स्मार्ट अकाउंट होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ के लोगों के लिए होता है. तो आपको CIBC स्मार्ट स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है. तो आप उनसे बात करना कि मुझे ये अकाउंट खुलवाना है. और आपको ये भी बोलना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए. तो क्रेडिट कार्ड आता है आपको 1 वीक के अंदर आपके घर पे ही पोस्ट होके आ जाएगा. उस टाइम नहीं देंगे, डेबिट कार्ड देंगे आपको. तो डेबिट कार्ड आपको बाहर जाना है, फिर आपको आपका पिन एक्टिवेट करना होता है और टेलीफोन बैंकिंग एक्टिवेट करना होता है.
ये प्रोसीजर है, आपको बैंक में जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, बैंक में जाना है, बैंक में जाके आपको बोलना है कि मुझे मैं स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे सेविंग्स अकाउंट, एक GIC अकाउंट तो होगा, फिर दूसरा चेकिंग अकाउंट खोलेंगे और वो चेकिंग अकाउंट होगा CIBC स्टूडेंट स्मार्ट एडवांटेज अकाउंट, वैसा कुछ है, CIBC स्टूडेंट स्मार्ट, स्टूडेंट होना चाहिए, तो वो अकाउंट आपको खुलवाना है। एंड मेक श्योर आप ध्यान रखें कि वो डिले ना करे, आप उनसे पूरा बात करें। फिर उसी टाइम आपको मोबाइल बैंकिंग में भी देखना है कि मोबाइल बैंक में अकाउंट एक्टिवेट हुआ या नहीं। मोबाइल बैंक में आप जाओगे उसी टाइम तो डेबिट कार्ड डालना है, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल के आपको पासवर्ड डालना होता है या तो फिर जनरेट करना होता है, तो आपका इंटरेक्ट ई ट्रांसफ़र एक्टिवेट हो जाएगा। मीन्स स्टूडेंट में ऐसा होता है कि जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट, अनलिमिटेड ई ट्रांसफ़र, और आप ई ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आपको या फर्स्ट टाइम ऐसा भी है कि अगर फर्स्ट टाइम आप पैसे भेज दोगे इंडिया तो आपको $50 मिलेंगे। यस, ई ट्रांसफ़र एक्टिवेट करना होता है एंड दैट्स ऑल प्रोसीजर आपको करनी होती है। और वह डॉक्यूमेंट्स क्या मांगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपका GIC सर्टिफिकेट, आपकी स्टडी परमिट, आपका पासपोर्ट। मेक श्योर ये लेके जाओ फॉर वेलकम लेटर, GIC लेटर, स्टडी पर, इवन SIN नंबर और आपका फ़ोन नंबर। या सो दिस 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स एंड दैट्स इट। सो अगर आप CIBC का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मेक श्योर आप मेरा कोड डालें sahidhawal@gmail.com। मैंने पूरा प्रोसीजर बनाया कि CIBC का अकाउंट कैसे ओपन करना है, आप मेरा रेफर कोड प्लीज़ डालें एंड आपको $25 मिलेंगे और मुझे भी $25 मिलेंगे। सो अगर आपको अकाउंट ओपन में कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू, दैट्स इट।